महाकलह से जूझ रही भाजपा ने 11 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वर्तमान समय में धार जिला भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विगत कुछ वर्षों से पार्टी में व्यक्ति विशेष को लेकर घमासान मचा हुआ है, जो धार नगर पालिका चुनाव में देखने को मिला था। इसके बावजूद भी समय रहते पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में धार सीट को लेकर देखने को मिला, जहां भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजीव यादव को प्रबल दावेदार होने के बाद भी टिकट नहीं दिया। राजीव यादव ने अंतिम समय तक टिकट के लिए प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने निर्दलीय राष्ट्रवादी बनकर भाजपा प्रत्याशी के सामने ताल ठोक दी। भाजपा से बगावत करने पर राजीव यादव को पूर्व में ही 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था। आज जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज सोमानी ने राजीव यादव को खुला समर्थन दे रहे पूर्व जिला अध्यक्ष अनंत कुमार अग्रवाल, पूर्व विधायक करण सिंह पवार, जिला महामंत्री सन्नीरन, जिला मंत्री प्रमोद मानेकर, मंडल अध्यक्ष दिलीप पटेल, जिला कार्य समिति सदस्य देवेंद्र पटेल, पूर्व जिला कार्यालय मंत्री मनोज ठाकुर, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी व्यापारी प्रकोष्ठ आशीष गोयल, जिला कार्य समिति सदस्य मनोज जायसवाल, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र पाटीदार को भी 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में धार विधानसभा सीट पर प्रत्याशी को लेकर पहली बार खुलकर गुटबाजी सामने आई है, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने भाजपा से नामांकन पत्र दाखिल किया है। मेरे वरिष्ठ जन जो बरसों से धार में खून पसीने से पार्टी को जिन्होंने सींचा, श्री अनंत अग्रवाल जी, श्री देवेंद्र पटेल जी, करण सिंह जी, कांग्रेस छोड़ के इसलिए आए कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, हमारा विचार बहुत अच्छा है, हम इस विचार को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस नाते मैंने ये फॉर्म डाले। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी आपका ये प्रत्याशी इस पर पुनर्विचार निश्चित तौर पर मेरे बारे में सोचेगी? मैं जितने भी वरिष्ठ हैं उनके पास भी जाऊंगा, वर्मा जी के पास भी जाऊंगा कि आप ये टिकट बदल कर मुझे टिकट दे दें। मैं सीएम साहब आ रहे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि टिकट बदल कर मुझे ये टिकट दे। मैं धार के लिए श्रेष्ठ काम करके बताऊंगा, उस विचार को जीवित रखकर बताऊंगा, वो धार के विकास में अपना सर्वस्व इच्छावर कर दूंगा। पार्टी टिकट नहीं लेती तो आगे क्या रहेगा? ये मैं जनता के बीच में निरंतर जा रहा हूँ, निश्चित तौर पर उस विचार को बचाने के लिए, सही और गलत को बताने के लिए मैं मैदान में निश्चित तौर पे आऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका टिकट नहीं होता, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगा, निश्चित तौर पे लड़ूंगा। मैं चुनाव केवल विधायक बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये व्यवस्था परिवर्तन हो, ये विचार हमारा जीवित, इस नाते लड़ रहा हूँ। सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।